बता दें कि आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित पाताल भुवनेश्वर नाम की एक रहस्यमय गुफा की। इस जगह को महादेव की रहस्यमय नगरी के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर प्राकृतिक रूप से एक छोटा सा खंभा है गुफा की छत के नीचे। इस खंभे की ऊंचाई करीब 6 इंच है, लेकिन वही इसका कद साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। और मित्रों, हमारे धर्मशास्त्र स्कंद पुराण में इस बारे में साफ साफ बताया गया है। इसके साथ ही मान्यता है कि ये खंभा कलयुग का प्रतीक है। ऐसी मान्यता है कि जिस दिन ये खंभा बढ़कर गुफा की छत तक पहुंच जाएगा, उस दिन इस पूरे ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा और दोबारा से सतयुग की शुरुआत होगी। इसके साथ ही लोग मानते हैं कि जब इस दुनिया का अंत होगा, तब एक भयानक प्रलय आएगी जो चारों ओर तबाही फैला देगी। कलयुग के प्रतीक इस खंभे के अलावा भी यहाँ कई और छोटे छोटे खंभे हैं। और तो और, इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि इन खंभों से कहीं ना कहीं दूसरे युग की कहानी जुड़ी हुई है। वैसे आपको बता दें कि इस गुफा में स्थित सैकड़ों मूर्तियों और खंभों का रहस्य आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया। ये पूरा क्षेत्र महादेव जी की रहस्यमय नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इस गुफा में प्रवेश करने के लिए एक संकरा रास्ता है जो जमीन से करीब 100 फीट नीचे जाता है। वहीं नीचे एक दूसरे से जुड़ी हुई कई गुफाएं हैं और ये गुफाएं पानी ने लाइमस्टोन को काटकर बनाई है। इसके साथ ही मंदिर के अंदर संकरे पानी की धारा से होते हुए गुफा में जाना पड़ता है। किंवदंती है कि यहाँ पर पांडवों ने तपस्या की थी और कलयुग में आदि शंकराचार्य ने इसे दोबारा खोजा। आपको बता दें कि पौराणिक कथाओं में भी इस गुफा का विवरण मिलता है, जिनके मुताबिक यहाँ भगवान शिव और 33 कोटि देवता विद्यमान है। ये गुफा प्रवेश द्वार से 160 मीटर लंबी और 90 फीट गहरी है। और ये भी माना गया है कि ये गुफा सीधे कैलाश पर्वत पर जाकर खुलती है। अब दोस्तों, महादेव की उस रहस्यमय गुफा के बारे में तो हमने जान लिया जो दुनिया खत्म होने के संकेत देती है। इसके साथ ही आइए अब जानते हैं भोलेनाथ के धाम कैलाश से जुड़े कुछ रहस्य। तो मित्रों, कैलाश पर्वत आज तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है जिसे भगवान शिव का निवास स्थान माना गया है और जिसके समीप कैलाश मानसरोवर स्थित ये अद्भुत और भव्य जगह कई रहस्यों से भी भरी हुई है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से इसके अलग ही अध्याय है जिसके बारे में कई गुणगान किए गए हैं। वहीं पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक इस पर्वत के पास ही कुबेर की नगरी है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहां भगवान शिव उन्हें अपनी जटाओं में भरकर पृथ्वी पर निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। मित्रों, इसी अद्भुत पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्युलोक है। इस सब के अलावा भी कैलाश पर्वत से जुड़े 9 ऐसे रहस्य हैं जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है। पहला रहस्य, धरती का केंद्र। मित्रों, धरती के एक तरफ उत्तरी ध्रुव है तो वही दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव। इन दोनों के बीचों बीच हिमालय स्थित है और इस विशालकाय हिमालय का केंद्र इस कैलाश पर्वत को ही माना गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये धरती का भी केंद्र है। और तो और, इस पर्वत पर दुनिया के 4 मुख्य धर्म यानी कि हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख समुदाय के लोगों की गहरी आस्था है। दूसरा रहस्य, अलौकिक शक्ति का केंद्र। मित्रों, ये एक ऐसा केंद्र भी है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। अब एक्सिस मुंडी का मतलब है आकाशीय या भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। ये आकाश और पृथ्वी के बीच का एक ऐसा केंद्र है जहाँ 10 दिशाएं मिल जाती है। इतना ही नहीं, कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर कई अध्ययन किए जा चुके हैं। वही कई लोगों की माने तो यहाँ अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और तो और, उन शक्तियों के साथ संपर्क भी किया जा सकता है। तीसरा रहस्य, मित्रों, कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड के आकार का है जो 100 छोटे पिरामिडों का मध्य है। बता दें कि कैलाश पर्वत की संरचना बिल्कुल एकांत स्थान पर स्थित है जहां कोई भी दूसरा बड़ा पर्वत नहीं है। चौथा रहस्य, नहीं चढ़ सकता कोई इसके शिखर पर। अब ये तो आप भी जानते होंगे कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना असंभव है, लेकिन मरने के बाद या फिर जिसने आज तक कोई भी पाप न किया हो, सिर्फ वही इस कैलाश पर्वत के दर्शन कर सकता है। इसका एक और कारण ये भी माना गया है कि कैलाश पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ने पर मौसम बिगड़ जाता है और बर्फीला तूफान चलने लगता है। अब बिना दिशा के ऐसे पहाड़ पर चढ़ाई करना सीधे मौत को दावत देने जैसा है, इसीलिए कोई भी इंसान आज तक कैलाश पर नहीं चढ़ पाया। पांचवा रहस्य, कैलाश के सरोवर। मित्रों, यहाँ 2 सरोवर है। पहला है मानसरोवर जो दुनिया के शुद्ध पानी की उत्तम व उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार सूर्य की तरह है।
वहीं दूसरे सरोवर का नाम राक्षस ताल है, जो दुनिया में खारे पानी की सबसे ऊंची झीलों में से एक है। वहीं बात करें इसके आकार की तो ये चंद्र के समान है। बता दें कि इन दोनों ही झीलों का संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से, लेकिन ये अभी तक रहस्य ही बना हुआ है कि ये झीलें प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुई है या फिर इन्हें किसी शक्ति ने बनाया है। छठा रहस्य, यति मानव। मित्रों, क्या आपको पता है कि हिमालय वासियों का कहना है कि यहाँ पर यति मानव रहता है? कोई इसे भूरा भालू, कोई जंगली मानव, तो कोई हिम मानव कहता है, और ये धारणा प्रचलित है कि ये लोगों को मारकर खा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया भर में करीब 30 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने ये दावा किया है कि हिमालय के इस बर्फीले इलाके में बड़े बड़े हिम मानव मौजूद है जो आम इंसानों को नजर नहीं आते। सातवां, डमरू और ओम की आवाज। अब अगर आप कैलाश पर्वत या फिर मानसरोवर झील के इलाके में जाएंगे तो आपको एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसमान में कोई विमान उड़ रहा है। लेकिन ध्यान से सुनने पर ये आवाज या तो डमरू या फिर ओम की ध्वनि जैसी लगती है। इस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि हो सकता है ये आवाज बर्फ के पिघलने की वजह से आती है। आठवां, मोक्ष प्राप्ति का रहस्य। महान ऋषि मुनि समेत तिब्बत के कई धर्म गुरुओं का भी मानना है कि कैलाश और मानसरोवर 3 या फिर 13 परिक्रमाएं की जाए तो उस व्यक्ति को रोग, शोक और भय से मुक्ति मिल जाती है और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि कैलाश मानसरोवर की 108 बार परिक्रमा करने से मनुष्य शारीरिक बंधनों से आजाद हो जाता है और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जानकारी के लिए बता दें कि इस पर्वत की एक परिक्रमा लगभग 40 किलोमीटर की होती है। नौवां, कैलाश धूप का रहस्य। मित्रों, कैलाश के कई रहस्यों में से एक ये भी है कि इस शिखर में एक अलग ही तरह की वनस्पति पाई जाती है जिसे कैलाश धूप के नाम से जाना जाता है। इस विशेष धूप को महादेव यानी कि भगवान शंकर के प्रसाद के तौर पर ग्रहण किया जाता है। सभी लोग कैलाश धूप को संजीवनी बूटी मानते हैं जिसे ग्रहण करने वाला मनुष्य चिरंजीवी बन जाता है। तो मित्रों, आज हमने कैलाश के इन रहस्यों के बारे में जानने के अलावा महादेव की उस रहस्यमय नगरी के बारे में भी जाना जिसमें छिपा है दुनिया के अंत का राज। अगर आपको आज के मालूम